नाउ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक रही। कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन मुग्ध रही के किसी के भी द्वारा दिए गए कष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति नहीं खोई। इसलिए मीराबाई को कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री कहा गया है। उनका जन्म 1504 ईस्वी में जोधपुर के पास महंता गांव में हुआ था। कुंडकी में मीराबाई का ननिहाल था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। उनके पति कुंवर भोजराज उदय सिंह के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती कराने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार और उससे विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने घर को त्याग दिया और तीर्थाटन को चली गई। वे बहुत दिनों तक वृंदावन में रही और फिर द्वारिका चली आई, जहाँ संवत 1560 ईस्वी में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति से संपुट पदों की रचना की। हिंदी की महान कवित्री हैं। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस है, जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो गई। मीराबाई का जन्म 1504 में जोधपुर के कुर्की गांव में हुआ। इनका विवाह उदयपुर के महाराज कुमार भोजराज के साथ हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विवाह के थोड़े ही दिन बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के परलोकवास के बाद उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। ये मंदिर में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना उनके परिवार को बिल्कुल भी अच्छा न लगा, क्योंकि कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश भी की गई। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारिका वृंदावन चली गई। वह वहां जाती थी, वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग आपको देवी के समान प्यार और सम्मान देते थे। इसी दौरान उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई बार ही बार प्रणाम करम अब हरम शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाए साधु सग अरु भजन करत माही देत कलेश महाय। मेरे मात पिता के समय हो हरि भक्त सुखदाये हमको कहाँ उचित करीबो सो लिखे समझाए। मीराबाई के पत्र का जवाब तुलसीदास ने कुछ इस प्रकार दिया, जाके प्रिय न राम विदेही सो नर तजही कोटि बैरी सम जग यद्यपि परम स्नेहा नाते सभे राम के मनियत सुखद सुसंक जहां लो अंजन कहां आंखे जो फूटी बहुतक कहो कहो लो। मीरा द्वारा रचित ग्रंथ। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की, नरसिंह मायरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पद्मावली नामक ग्रंथ में मिलता है। मीराबाई की भक्ति। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव काफी हद तक पाया गया। वह अपने इष्ट कृष्ण की भावना प्रियतम और पति के रूप में करती थी। उनका ये मानना था कि हर संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष ही नहीं है। बसुरे मेरे नैनन में नंदलाल मोहन मूर्ति सावरी सूरती नैना बड़े विशाल अधर सुधारस मुरली बाज थी उर बैजंती माँ।
क्षुद्र घटी का कटि तट सोबती नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त ब्रजल गोपाल। मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानते हुए कहती थी, गुरु मिलिया रैदास दी नहीं ज्ञान की गुटकी। उन्होंने अपने बहुत से पदों की रचना राजस्थानी मिश्र भाषा में की है। इसके अलावा कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में भी लिखा। उन्होंने जन्मजात कवित्री न होने के बावजूद भक्ति की भावना में कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त। मीरा के विरह गीतों में समकालीन कवियों की अपेक्षा अधिक स्वाभाविकता पाई जाती है। ऐसे लगता है कि कृष्ण उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान थे। इन्होंने अपने पदों में श्रृंगार शांत रस का प्रयोग किया। मन से पासी हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण जो चरण पहलाद पर से इंद्र पदवी हान जिन चरण ध्रुव अटल किन हो राखी अपनी शरण जिन चरण ब्रह्मांड मते हो नक सीखो श्री भरन जिन चरण प्रभु परस लहे हो तरी गौतम धरणी जिन चरण धरियो गोवर्धन गर्भ मदन हरन दास मीरा लाल गिरधर आजम तारन। मीराबाई का घर से निकाला जाना। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना गाना उनके परिवार को अच्छा ना लगा, क्योंकि उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश भी की। घर वालों ने इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वे द्वारिका वृंदावन चली गई थी। यहाँ लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, लोगों ने उन्हें देवी का दर्जा दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। इसी के दौरान उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र भी लिखा। यहाँ पर सूक्ष्म रूप में उनके जीवन परिचय को मैंने आपको दोबारा से बताती हूँ कि कृष्ण भक्ति श्रद्धा से भरे रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त और संत कवि थी। उनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ की राजा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। 55 में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद पति और फिर पिता एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन के निराश मीरा ने घर परिवार को त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित हो गई। कृष्ण भक्ति पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ गई। मीरा अक्सर मंदिर में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना गाना उनके परिवार को अच्छा ना लगा। उसकी वजह से कई बार विष देकर उनको मारने की कोशिश की। उनकी रचनाएं अभी मैंने जैसे आपको बताया भी, नरसिंह का मायरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई की गीतों का संगठन मीराबाई की पद्मावली ग्रंथ में भी किया गया है। शैली मीरा पर योगियों संतों वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव था। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी ब्रज और गुजराती मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी का भी प्रयोग है। उनकी मृत्यु ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका गई थी और 1560 में भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। फर्स्ट हरि आप हरो जन ही भी हरि मिस प्रभु हरो मिस हरना या दूर करना भीर मिस पीरा द्रौपदी सी लाज रखी आप बढ़ायो ची। द्रौपदी की मतलब लाज का मतलब इज्जत, आपने बढ़ाया चीर मतलब उनका वस्त्र। भगत कारण रूप नर ही भगत मीन्स प्रहलाद नर ही मीन्स नरसिंह धर्यो धारण शरीर माने शरीर बढ़ो तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर हाथियों का राजा पीड़ा दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीड़ यानी कि मेरी भी पीड़ा को आप उसी तरह हरिए जैसे आपने। इसका भावार्थ है, इसमें मीराबाई कृष्ण कृष्ण से कहती हैं अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कह रही हैं कि प्रभु आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरें। जिस तरह आपने अपमानित द्रौपदी की लाज उसके चीर प्रदान करके बचाई थी
जब दुशासन ने उसे निर्वस्त करने का प्रयास किया, जिस प्रकार आपने अपने प्रिय भक्त प्रह्लाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था, इसी प्रकार आपके उन हाथी की पीड़ा को दूर की थी। इन्हीं उदाहरणों को देखकर दासी मीरा कहती है कि ही गिरधरलाल, आप मेरी भी पीड़ा को दूर करें, मुझे भी छुटकारा दिलाइए। पर 2, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधरी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर मीन्स नौकर। चाकर रहियो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। वृंदा रावण री कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरण पास्यो हरजी। हाव भगवती जागीरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले वैजंती माला। वृंदा रावण में भेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखो बारी। सांवरिया सा दर्शन पास्यो, पहर कुसुमी साड़ी। इसका भावार्थ बहुत ही सुंदर तरीके से मीराबाई जी ने दिया। इन पदों में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसमें आप विहार कर सकें, यानी कि जिसमें आप घूम सकें। इसके बहाने मैं रोज आपके साथ आपके दर्शन करूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में श्री कृष्ण की लीला के गान करूंगी, इससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम का स्मरण अवश्य प्राप्त होगा और भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी कि वो आपके का ही स्मरण करते रहेंगे और आपकी भक्ति में ही मगन मुग्ध रहेंगे। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव शक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बन जाएंगी। अगली पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण के शीश पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले रंग सुशोभित हैं। वे वृंदावन में गाय चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु ऊंचे ऊंचे महल में हैं। वे उस महल के आंगन के बीच में सुंदर फूलों से सजी हुई फुलवारी बनाना चाहती हैं। मीरा भगवान कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। गिरधर नागर, मेरे मन आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही बेचैन है, इसलिए दर्शन देने अवश्य आइए। कितना सुंदर वर्णन मीराबाई जी ने किया। ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए हों। सभी विद्यार्थियों के लिए पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने वाली विनती किस प्रकार की, जैसे आपने अभी पढ़ा कि मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी, नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रह्लाद को बचाया और मगरमच्छ से जब हाथी को अपने मुंह में ले लिया तो उसे बचाया और उसकी पीड़ा हरी, तो प्रभु इसी प्रकार मुझे भी हर संकट से बचाकर मुझे भी पीड़ा से मुक्त करो। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। मीरा का हृदय कृष्ण के पास रहता है, उन्हें पाने के लिए वो इतनी अधीर हैं, इतनी व्याकुल हैं कि उनकी सेविका बनना चाहती हैं। वे बाग बगीचे लगाना चाहती हैं जिससे श्री कृष्ण उसमें घूम सकें। वो कुंज गलियों में श्री कृष्ण के लीला के गीत गाना चाहती हैं कि सभी को उनका स्मरण का लाभ उठा सकें। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सुंदर का वर्णन किस प्रकार किया,
हीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, उनके पीले वस्त्र हैं, गले में बैजंती फूलों की माला पहनी हुई है, वे बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। चाकरी में दर्शन पासियो, सुमरण पासियो खर्जी, अब भक्ति जागरी पासियो, तीनों बाता सरसी। इसमें मीराबाई की चाकरी कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे उनके दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति पाई जा सकती है। इसमें दास्य भाव दर्शाया गया है, क्योंकि वो उनकी दासी बनना चाहती हैं और दासी बनकर सभी कामों को करना चाहती हैं। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसमें आप आहार विहार कर सकें। इसी बहाने में वो चाहती हैं कि वो उनके रोज दर्शन कर पाए। भाषा व्रज और मिश्रित राजस्थानी है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और कुछ तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है। तुकांत शब्द क्या होते हैं बच्चों? तुकांत शब्द होते हैं जो एक ही जैसे हैं, आना जाना, इस तरीके। तो बेटा, तो बच्चों, मीराबाई का ये छोटी सी व्याख्या उनके जीवन की मैंने आपके सामने रखी। उनके जीवन के बारे में बहुत बड़ा वृतांत है, जिसको बताना बहुत कठिन है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इससे आप लोग उनके बारे में बहुत कुछ जान सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, उसको सब्सक्राइब, कमेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।